तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास एक सॉकेट और एक स्विच और एक होल्डर का वायरिंग है। आपको किस तरह से कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक सॉकेट और एक स्विच और एक होल्डर का वायरिंग एक स्विच किस से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देखते हैं यह स्विच हमारा एक होल्डर एक सॉकेट है। इसकी वायरिंग आपको एक स्विच से यानी कि इसको बल्कि सॉकेट को भी कनेक्ट करना है और एक होल्डर को भी। इसी स्विच से हमारे यह दोनों ऑन होंगे। इसका वायरिंग है किस तरह से कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अब बैक साइड की ओर आ जाते हैं। यह हमारा स्विच है, यह सॉकेट है और यह एक होल्डर है। सबसे पहले एक वायर लेंगे जो कि हम इसे फेस बांधेंगे। तो दोस्तों यह एक वायर लिया जो कि फेस में कनेक्ट करेंगे और यह हम सॉकेट के नीचे वाले पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे इस तरह से। यह हमारा फेस के लिए बाहर जाएगा बाहर। और बचा हुआ सेकंड वायर इसे हम कनेक्ट करके बताते हैं। सबसे पहले न्यूट्रल वायर कनेक्ट कर लेते हैं। यह हमारा सॉकेट का एक लेग है जो कि 5 पिन सॉकेट का है, यह एक होल्डर का है। तो यहाँ से आपको एक वायर कनेक्ट करना है जो कि हमारा होल्डर से और एक 5 पिन सॉकेट से कनेक्ट होते हुए बाहर निकलेगा। यह हमारा यहाँ से यहाँ तक पार हो जाएगा और यह हमारा न्यूट्रल यानी कि अर्थ के लिए बाहर वायर निकल आएगा। इस तरह से इसे एक तरफी ज्वाइंट कर लेंगे और इसे हम होल्डर के किसी भी एक पॉइंट पर लगा देंगे इस तरह से। और अच्छी तरह से टाइट कर देंगे कि लूज वायरिंग ना करें, इससे स्पार्किंग होगी और हमारा होल्डर जो कि जल जाएगा। और बचा हुआ दूसरा वायर इसे हम बल्कि सॉकेट के एक किसी भी पिन पर लगा देंगे। इस तरह से आप देखते हैं हमारा यह जो न्यूट्रल और फेस का वायरिंग है कंप्लीट हो चुका है। अब बचा हुआ स्विच का एक बल्कि लेग और एक होल्डर का और एक इसका स्विच का बल्कि 5 पिन सॉकेट का सॉरी। तो इसे कनेक्ट कैसे करते हैं इस तरह दोस्तों, इसमें भी हम दो वायर ज्वाइंट करेंगे। बीच में हमारा यह सॉक बल्कि 5 पिन का जो सॉकेट है इस पर कनेक्ट करेंगे। यह स्विच में हम पहले एक वायर ज्वाइंट कर लेंगे। यह हमारा स्विच है, स्विच पर एक किसी कोई भी एक वायर ज्वाइंट कर देंगे। जो स्विच से होते हुए वायर बल्कि जो सप्लाई देंगे स्विच ऑन करेंगे तो हमारे होल्डर भी और 5 पिन सॉकेट भी ऑन होगा। यह एक वायर हम इस पर होल्ड बल्कि स्विच के सॉरी 5 पिन के सॉकेट पर लगा देंगे। और यह स्विच से कनेक्ट होते हुए होल्डर वाले पॉइंट पर लगा देंगे। इस तरह से आप एक स्विच और एक सॉकेट और एक होल्डर की वायरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी जो वायरिंग है कंप्लीट हो चुकी है, आपको टेस्ट कराते बताते हैं। पहले दोस्तों किसी एक बॉक्स में से फिट कर देते हैं। इस तरह से फिक्स करने के बाद इसे हम दोस्तों फिट करने के बाद इसमें 220 वोल्ट एसी सप्लाई के वायर हैं जो कनेक्ट कर देते हैं। तो यह दोस्तों फिट करने के बाद इसे हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई में कनेक्ट करते हैं प्लग को। और यह है हमारा सूर्य का बल्ब, इसे हम सप्लाई में लगाते हैं बल्कि होल्डर में। तो दोस्तों होल्डर में लगाने के बाद आप देख सकते हैं हमारी जो वायरिंग है कम्प्लीटली हो चुकी है। और इसका जो स्विच है जो सॉकेट है इसमें देखिए आप सप्लाई आ रही है, आप देख सकते हैं टेस्टर में। इस तरह से इसकी आप वायरिंग कर सकते हैं कंप्लीट।